told your friend you're not okay. हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ आज बच्चों को लेने के लिए, और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि छाता लेकर जाना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, और आज हस्बैंड ड्यूटी में है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है बच्चों को लेने के लिए। बहुत धूप हो रही है फ्रेंड्स, चलते हैं। बहुत दिन में आई हूँ आज मैं इस रास्ते पे, कितना सुनसान सा लग रहा है, हवा इतनी लग रही है फ्रेंड, छतरी भी मेरी पलट गई इसलिए ये हाथ में ले ली, तो बस ऐसे ही चल रही हूँ अभी जल्दी जल्दी। और धूप तो खैर लगी रही है बहुत तेज, तो ये देखिए लाइनों में सबों का निकल आना पड़ा, सब तो और ज़्यादा लाइनें बिछ रही हैं, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर निकलना। पहले यहाँ से स्टेशन तक एक लाइन थी, आराम से निकल जाते थे। और देखिए दिखाती हूँ बैक कैमरे से कितना अभी काम चल रहा है, ये देखो ये सब कुछ टूटा फूटा पड़ा कम से कम 2-2.5 साल से, और ये देखिए पूरा ऐसे ऐसे पत्थरों में को होकर निकलना पड़ रहा है मेरे को। बस पहुँचने वाली है स्टेशन, कितनी घास ही घास हो गया सारे, वरना यहाँ सारा साफ साफ रहता था, ये वाली लाइन नहीं बन रही है। चलिए फ्रेंड्स चलती हैं फटाफट, पता चला कि मेरे ठोकर लग गई इन पत्थरों में। इन दोनों को लाके मैंने बनाए थे दाल चावल, और इधर आ रहा अभी, मुझे लग रही है भूख, इन्होंने तो आकर खा ली थी पराठे वगैरह, क्योंकि रात बनाई थी ना पनीर की सब्जी, तब वो रखी हुई है इसीलिए मुझे अभी लग रही है भूख। तो खाएगा ना? क्यों? पापा के साथ खाऊंगा। अच्छा, ये बन गए मेरे दाल चावल, मैं खाऊंगी क्योंकि तेरे पापा बहुत लेट आएंगे आज, ये बोल रहा पापा के साथ ही खाना क्योंकि मैं रोज़ साथ खाती हूँ इसलिए, लेकिन आज मुझे भूख लग रही है भाई, मैं खाऊंगी। तो आ जाइए आप सब भी खाइए दाल चावल, जब तेरे पापा आएंगे जब सेकूंगे उनके लिए रोटी, ठीक है? हाय, छोटा सा लड़का है, नन्ना सा बच्चा है, ये देखो इसकी शक्ल ये है, ये देखो, और ये मेरे पेट पे लेटा है, मुन्ना। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपने देखा वो जो रात जैसा क्लिप लग रहा है, तो वो रात का नहीं दोपहर का ही क्लिप है। हमने मतलब खाना वगैरह खा पी के थोड़ी देर आराम किया था, तो लाइट वगैरह बंद कर ली थी क्योंकि लाइट जला गए ना नींद से नहीं आती, थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, इतनी दूर आज बहुत दिन में गई थी मैं, और धूप इतनी तेज़ लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे भी थक गए थे तो बस थोड़ी देर सो गए थे। और अभी सो के उठी हूँ मैं कोई आधा घंटा, उसके बाद से मेरी एक कुर्ती पड़ी हुई थी कटी हुई 2 दिन पहले की सिलने से, तो मैंने सोचा आज मैं इसका काम फिनिश कर देती हूँ, बच्चे अभी तक सो रहे हैं, और मैंने सोचा चलो इसको कुर्ती को अपना पूरा फाइनल कर लेती हूँ मैं, तो बस इसी को सिलने में लगी हूँ, और देखते हैं किस तरह की बनेगी ये। इसका कपड़ा थोड़ा सा वेलवेट का है, थोड़ा सीक्वेंस जैसा कपड़ा है इसका, तो लाई तो थी सर्दियों में लेकिन बना नहीं पाई थी क्योंकि बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, इसी वजह से ये पड़ी हुई है, और अभी ये मेरे हाथ लग गई है, तो मैंने सोचा अब मैं इसको बना ले रही हूँ, तो बस धीरे धीरे से इसको बनाऊँगी, अभी देखते हैं कैसी फिटिंग आएगी। फ्रेंड्स ये बन गई है मेरी कुर्ती, स्लीवलेस बनाई है क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा कम था, और फिर इस कपड़े में मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लगी, और हल्का सा ये कट दिया है फ्रंट नेक में, ये देखिए, और यहाँ पे इस तरह से इसका वर्क है, और यहाँ थोड़ा सा ना दामन मैंने मतलब लॉन्ग करनी थी मुझे, तो ये मेरे पास एक मैच की लेस रखी हुई थी, ये वाली लेस मैंने इसमें लगा दी, बिल्कुल नहीं लग रहा ना जैसे अलग से लगी हुई हो, बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये देखिए ये बन गई है मेरी कुर्ती, कैसी लग रही है ज़रूर से बताइएगा।
तो फ्रेंड्स बताना ज़रूर कि मेरी कुर्ती कैसी बनी है। और अभी ये गए हुए थे बाहर तो ये लेके आए हैं पिज्ज़ा, बच्चों ने मंगाया था, तो देखते हैं कैसा लग रहा है। आइए आप लोग भी खाकर बताइए कैसा टेस्ट है, देखने में तो बड़ा ही यम्मी यम्मी सा लग रहा है। तो चलिए खा कर भी देखते हैं कि इसको कैसा लग रहा है। ये हो गया पिज्जा रेडी। ओए कैसा लग रहा है बताते दे। ऊपर से भी ऊपर। अच्छा जी, अब मैं भी खा कर देखूंगी भी कैसा लगता है सुपर से भी ऊपर। ला फ्रेंड्स, गर्मी इतनी हो रही थी कि फिर मुझे ना दोबारा नहाए और ये वाला सूट मैंने पहन लिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और इतने बुरा हाल हो रहा। हमारा ऊपर का मकान है तो और ज़्यादा लगती है, तो बस अभी थोड़ी सी तसल्ली मिली है थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़ी देर लेकर जाऊंगी इन्हें घुमाने के लिए, दूध वगैरह लेके आ गई हूँ और पिज्ज़ा भी खा लिया, बहुत टेस्टी लगा था। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलूंगी जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी है।